हेलो एवरीवन। उम्मीद है यार कोई बढ़िया होगा, घूम रहा होगा, फिर रहा होगा, याशी कर रहा होगा। आज है भाई 11 अप्रैल, टाइम हो रहा है 8:30। बहुत दिनों से भाई लॉन्ग राइड नहीं करी थी, लॉन्ग राइड के कुछ वीडियोस नहीं आए थे, व्लॉग्स नहीं आए थे चैनल पे। सो उसी के लिए ख़त्म करते हैं वो वेट, लेके चलते हैं आपको एक लॉन्ग राइड पे, करते हैं उसकी तैयारी और मिलते हैं आपसे सीधा बाइक पे। तो भाई फाइनली चालू हो गए अपने ट्रिप, आ गए हम रोड पे। जय श्री राम, भगवान जी बढ़िया से पहुँचा देना और बढ़िया से वापस घर ले आना। सो भाई एजेंडा ये है अब कि यहाँ से जाना है पहले थोड़ा आगे चौराहे तक, वहाँ मिलेंगे अपने साथ जो अपने यार दोस्त जा रहे हैं इस ट्रिप पे, और उसके बाद जब वो लोग सब आ जाएंगे तो हम आपको उनसे मिलवाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो जरा यहाँ से गोली बन के चौराहे पर पहुँचा जाए सबसे पहले। तो भाई पहुँच गए हम मीटअप पॉइंट। ये खड़े अपने लड़के दीपांकर और प्रवेश को तो जानते हो, ये दो लोग नए हैं, ये अनिरुद्ध और वो शुभम। सो भाई चालू हो गए अपने ट्रिप, मिलवा दिया हमने अपने यार दोस्तों से जिनके साथ हम ये ट्रिप पे जा रहे हैं, अनिरुद्ध, प्रवेश और शुभम। अब बात करते हैं भाई हम जा कहाँ रहे। तो जा हम रहे उत्तराखंड, और उत्तराखंड में एक छोटा सा गांव है चकोरी। हम वो चकोरी गांव जा रहे हैं जो पिथौरागढ़ के अंदर पड़ता है, करीब 500 साढ़े 500 किलोमीटर है। मैप आपके सामने है, दिखाई रहा है 12.5 घंटा, ब्रेक व्रेक लगा के 15 घंटे पकड़ लो भाई, तो दोपहर या शाम तक पहुंच जाएंगे। बाकी अभी तो रात है और रात तो भाई अपनी है, तो अपनी रात में खींचेंगे जितना खींच पाएंगे। बाकी सुबह जब पहाड़ वगैरह आ जाएंगे तब देखते हैं भाई क्या स्पीड रहती है अपनी। अभी तो भाई 120-130 भी पेल लेंगे आगे, सीतापुर वाला रास्ता बढ़िया है, 120-130 भी भगा देंगे अगर मौका मिला। खैर काफी दिनों बाद जा रहे ट्रिप पे, अलग ही मजा भी है। ट्रिप भले छोटी है लेकिन थोड़ा एक्साइटमेंट है, बहुत दिनों से नहीं गए थे भाई ट्रिप पे। तो जाएंगे, याशी करेंगे, देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे, बने रहिए, हम जरा लगे रहे रोड पे। सो भाई 100 किलोमीटर पार कर दिया हम लोगों ने, और भाई हम मजे से, हाईवे भी बढ़िया आ गया, याशियां करते हुए चले जा रहे हैं। रात की राइड का यही फायदा है भाई, ना धूप ना कुछ ना ट्रैफिक, रोड बढ़िया हो बस तो नापते चले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं आती भाई। मस्त ठंडी हवा चल रही है, अभी जैसे ही सुबह होगी आग के गोले गिरेंगे। सो भाई ले लिया हमने सीतापुर से बाईपास और अपना निपट गया भाई 160-170 किलोमीटर करीब। मस्त चल रही है भाई अभी तक तो राइड एकदम, थोड़ी लाइटें कम कर दे। हाँ भाई चारों तरफ इतनी गन्ने की खेती इधर होती है, उसकी वजह से भाई गुड़ और चीनी की खूब सारी मिल है, एकदम भयंकर खुशबू आ रही है भाई गन्ने के रस की, बढ़िया गुड़ की महक आ रही है एकदम तगड़ी, ताजा गुड़ बन रहा है भाई एकदम ताजा। तो भाई 250 किलोमीटर कर लिए हमने, बज रहा सुबह का 4:15, करीब 3.5-4 घंटे चला ली गाड़ी हम लोगों ने। अब थोड़ा चाय वाय पियेंगे, फिर थोड़ी रोशनी होगी, फिर ब्लॉगिंग करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे। सब भाई हम पहुंच गए दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क से होते हुए जाएंगे पूरनपुर, फिर वहां से पीलीभीत टाइगर रिजर्व और खाटिमा फिर टनकपुर, उसके बाद चालू हो जाएंगे अपने पहाड़। तो भाई हो गई सुबह, बज रहा 5:45, हम कर चुके हैं करीब 325 किलोमीटर। अब थोड़ा भाई बढ़िया रास्ता वस्ता व्यूज वगैरह देखने को मिलेंगे, तो बस उसी टाइम हम पहुंच गए हैं बढ़िया आराम से। सो भाई ये आ गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसके अंदर से अपने को जाना है खाटिमा। और भाई जानवर वगैरह का देखते रहे ना, बंदर वंदर आ जाते हैं कहीं से भी कूद के, और रोड भी थोड़ी खराब है तो ध्यान रखना, ये देखो घूम रहा है।
रास्ता तगड़ा सीनिक है भाई, ये तगड़ा सीनिक रास्ता भाई, ये तो जाता एकदम जंगलों के बीच में। तो भाई हो गया सनराइज़, हम लोग रुके हैं फ्यूल अप ब्रेक के लिए। तो भाई पहुंच गए हम टनकपुर, दिखने लग गए पहाड़, हेलो माउंटेन्स, आ गए हम फिर से भाई पहाड़ों में बहुत दिनों बाद। अब चालू होगी अपनी असली अय्याशी, अब चालू होंगे अपने असली असली व्यूज, और बाइक चलाने में भी थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। जरा ये सब निपटा के टनकपुर से बाहर निकल के मिलते हैं आप लोगों से ऊपर जरा पहाड़ों पे। सुबह का 8, इसलिए सबसे पहले हो रही पेट पूजा, पराठे वराठे निपटा के फिर बाइक पे पहुंचते हैं, फिर बात करते हैं। सो भाई हो गया अपना ब्रेकफास्ट, ये मिस्टर प्रवेश जायसवाल आगे ही नहीं बढ़ रहा है, खड़े हो गए हैं वहाँ पे। बढ़ो, क्या चालू नहीं है, चालू है, लाल लाइट जल रही है, क्या बकवास कर रहे हो। रिकॉर्डिंग चालू भाई, दड़ रिकॉर्ड हो रहा वीडियो, आप हल्के में ले रहा है हमको। लिटा दे। Thank you.
काफी तगड़ा। साले स्पीड लिमिट 20 लिखी हुई है यहाँ पे। तो भाई मजे चल रहे अपने पहाड़ों पे एकदम चौकस रास्ते चौकस मजे। सो भाई बज गया सुबह का 10। भाई अपने को बाइक चलाते चलाते 10 घंटे हो गए हैं और 10 घंटे में हम बस 450 किलोमीटर आए हैं। यही होता भाई पहाड़ों पे पेस स्लो हो जाती है। यह भाई बेरी नाग चौकड़ी 88 चौकड़ी 88 बचा भाई बस 88 और। तो भाई व्यूज देख लो भाई व्यूज कतई कातिल व्यूज देख लो भाई कातिल व्यूज। ट्रक आ रहा भाई। तो भाई पहुंच गए हम चौकड़ी। यहां से 4-5 किलोमीटर होगा बस चालू होगा अपना भाई होटल ढूंढो रूम ढूंढो वाला काम। ये 3 लोगों से मिल लो। ये भाई अनिरुद्ध जो अपना अनिरुद्ध भाई ये सब कानपुर गए हैं ये बिजनेस करता है भाई इसका सनाप पैसा है। पहली राइड है भाई की पहाड़ों पे। उससे पहले कभी बाइक लेके नहीं आया था भाई पहाड़ों पे। पहली लॉन्ग राइड सीधा पहाड़ों पे। ये प्रवेश जायसवाल है इनको सबको पहले से ही जानता होगा भाई जो मैं ब्लॉग पहले से देख रहा है। इनकी हिमालयन की पहली लॉन्ग राइड है पहाड़ों पे। और ये भाई शुभम इसकी भी पहली राइड है पहाड़ों की। ये भी कानपुर वाला ही है बिग फोर में काम करता है भाई अर्न्स्ट एंड यंग EY बड़े लोग हैं भाई ये सब। जरा यहाँ से बनते हैं रॉकेट से मिलते हैं आप लोगों से। अपना होल्टर ढूंढो मिशन चालू रहेगा। सो भाई पहुंच गए हम अपने रिजॉर्ट। ये ढूंढ लिया हमने। कितने का मिला प्रवेश जायसवाल? 1000 रुपये का एक रूम दो लोगों के लिए 1000 रुपये एक रात का। और ये ज़बरदस्त व्यू आता है भाई इधर। ये देखो भाई देखो भाई ये अपना 1000 रुपये वाला रूम। वैसे खाली व्यू के हैं। सो भाई रूम वगैरह आप लोगों ने देख लिया। रिजॉर्ट वगैरह आप लोगों ने देख लिया। अब हम और सारे भाई लोग जा रहे हैं फ्रेशन अप होने और आप करो व्यू को एंजॉय।
भाई देख लिए व्यूज, अब हो गई भाई रात 8:30 बजे का अपना प्लान था चाय पकौड़ी का, अभी बज रहा 10:15, जल रही है आग, चाय पकौड़ी आ गई है, चाय पकौड़ी उड़ाई जा रही है। शुभम काफी ऑकवर्ड है कैमरा के सामने, क्या हो गया बे? थोड़ा थोड़ा यूट्यूब पे आओगे बे, फेमस कर देंगे तुमको किस नाम से खैर भाई आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करेंगे हम लोग, ये चाय वगैरह उड़ा रहे हैं, इसके बाद खाना खाएंगे सो जाएंगे भाई, नींद नहीं पूरी हुई है। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह, उम्मीद है आपको व्लॉग बढ़िया लगा होगा, जैसा भी लगा कमेंट्स में बताइए ताकि हम और इम्प्रूव करें। एज ऑलवेज घूमते रहिए, फिरते रहिए, ऐसे करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग।